तो माननीय एलन मस्क साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्वीट नंबर वन, दिखाते हैं ट्वीट आपको, माननीय एलन मस्क साहब का ट्वीट दिखाइए। एलन मस्क साहब का ट्वीट कह रहा है, माय प्रोनाउंस आर प्रोस्टिट्यूट फाउची। एंथनी फॉची कौन है आप सबको मालूम होगा। एंथनी फॉची बाइडेन के स्वास्थ्य सलाहकार थे, एनआईएच के डायरेक्टर थे, महामारी के दौरान पूरी दुनिया में अगर सबसे प्रभावकारी व्यक्ति कोई है था तो वो डॉक्टर एंथनी फॉची है। डॉक्टर एंथनी फॉची के बारे में एलन मस्क साहब कहते हैं कि इन्हें प्रोसिक्यूट किया जाए। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? क्या एलन मस्क कॉन्स्पिरेटर हैं? क्या एलन मस्क कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं? क्या एलन मस्क कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में यकीन करते हैं? क्या एलन मस्क कोई भ्रामक प्रचार कर रहे हैं? क्या एलन मस्क मिस इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं? एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी, एलन मस्क बड़ी कंपनियों के मालिक, एक नहीं कई कंपनियों के मालिक, वो एलन मस्क और ट्विटर के मालिक, वो एलन मस्क कहते हैं कि एंथनी फॉची को प्रोसिक्यूट करो। मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं, रॉबर्ट एफ कैनेडी की तस्वीर निकालिए। रॉबर्ट एफ कैनेडी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर और रॉबर्ट एफ कैनेडी सीनियर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भाई थे। ये उन्हीं का लड़का है रॉबर्ट एफ कैनेडी। उन्होंने एंथनी फॉची और फार्मा को लेकर के एक बहुत ही स्टार्टलिंग एक किताब लिखी थी, फार्मा माफिया एंड एंथनी फॉची, उनके ऊपर एक किताब लिखी थी। क्या रॉबर्ट एफ कैनेडी, और उस किताब में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे पूरा अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम फार्मा लॉबी ने अपने हाथ में कब्जा कर लिया है और कैसे फार्मा लॉबी हेल्थ केयर में ही नहीं बाकी आपके बाकी जीवन में भी उनका प्रवेश हो गया है, नॉर्मल गवर्नेंस में भी उनका इंटरफेरेंस हो गया है। जैसे कि ये फार्मा लॉबी के इशारे पे ये सब कुछ हुआ और आपको एक प्रकार से घर में बंद कर दिया गया, और इसका मॉकड्रिल तो बहुत पहले से हो रहा था। ये रॉबर्ट एफ कैनेडी कहते हैं और इसका खुलासा करते हैं, एक फिल्म बनाते हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी बहुत ही जाने माने लॉयर हैं अमेरिका के, बहुत ही जाने माने लॉयर हैं। चाइल्ड राइट्स के लिए वो बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ध्रुवराठी की नजर में रॉबर्ट एफ कैनेडी कॉन्स्पिरेटर है? क्या आकाश बनर्जी ने कभी रॉबर्ट एफ कैनेडी को जानने समझने या उनके कथन को पढ़ने की जरूरत समझी? क्या साक्षी जोशी ने कभी रॉबर्ट एफ कैनेडी ने क्या लिखा है एंथनी फॉची के बारे में यह जानने की कोशिश की? क्या आकाश बनर्जी, साक्षी जोशी और ध्रुव राठी ने एंथनी फॉची, इको हेल्थ अलायंस और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बीच में क्या रिश्ता है इसे जानने की कोशिश की?